जरत सकल सुरो वृंद विषम गरज जहि पान किय कसम भजहु मति मंद को कृपाल शंकर सरिषे। बोलिए श्री सद्गुरु, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान शिव का स्वरूप, जैसा कि अभी शिवरात्रि का पावन पर्व भी है, आप सब ने मनाया फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी को। शिवरात्रि में भगवान शिव माता पार्वती जी का विवाह होता है, बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। जो कन्या पक्ष के हैं वो व्रत रखते हैं, जो भगवान शिव के पक्ष के हैं वो खूब मस्ती से प्रसाद पाते हैं। तो दोनों है। शिवरात्रि बहुत ही पावन और अच्छा पर्व है हम सबका, लेकिन बस इतना ही कि भाव ठंडाई के लिए हमने गांजा भी पी लिया, हमने गांजा भी पीना सीख लिया और शिव के नाम से तमाम नशे वाली चीजों को हम शुरू कर दिए। तो देखेंगे कि शास्त्रों में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है जो भगवान शिव गांजा वगैरह ये सब नशे वाली चीजों को सेवन किया। 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखा, लेकिन 18वें पुराण में शिव पुराण अलग से उन्होंने 18 पुराण में से लिया शिव के लिए विशेष रूप से। उसको आप पढ़ के देखिए, कहीं भी भगवान शिव गांजा नहीं पिया और ना ही भांग नशा का कहीं उन्होंने लिखाया है। तो इस प्रकार से, लेकिन जब भी हम जड़ी बूटी लेंगे जब भी हो तो भगवान शिव का नाम लेते हैं, नहाते हैं हम भगवान शिव की शिवरात्रि पे। रात्रि है लगभग रामचरितमानस, और जो हम सब मनाते हैं हमारी संस्कृति इतिहास को, और जो हम सब मनाते हैं हमारी संस्कृति इतिहास को लेकर 5 है, जिसमें मोह रात्रि, शीत रात्रि, काल रात्रि तीसरा, और चौथा है नवरात्रि, पांचवा है शिवरात्रि। जय गुरु देव, जय गुरु देव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु देव, I'm going to go to the hospital.